आज हम एक और रिव्यू वीडियो लेके आए। रिव्यू किसका हो रहा है ये आप थंबनेल और टाइटल में पहले से ही देख चुके हो, पर तब भी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। आज हम बनाने वाले हैं कोरियन नूडल्स, और ये 100 रुपीज़ का पैकेट है स्पाइसी नूडल्स। इस पर तो लिखा है वैसे स्पाइसी, बाकी खा के पता चलेगा स्पाइसी है कि नहीं है। और मैं इसमें और एक और नूडल्स में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा था, इसलिए मैंने बहुत समझदारी वाला फैसला लिया, और वो समझदारी वाला फैसला आप एक बार क्लिप देख लो। आज हम स्पाइसी नूडल्स ढूंढते ढूंढते आ चुके 24/7। 24/7 में मुझे बस दो ही स्पाइसी नूडल्स लगे, तो एक तो एक टॉप रैमन वाला है और एक मामा कंपनी का है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये नीचे पड़ा हुआ। हाँ, और मेरा सिलेक्ट करने का तरीका कुछ ऐसे था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 सिलेक्टेड। क्लिप से आपको पता चली गया होगा मैंने कितनी समझदारी से ये पैकेट उठाया। तो आज हम इसको बनाएंगे और आपको खा के बताएंगे कैसी लगी, ये 100 रुपीज के वर्थ है या नहीं है। तो नूडल्स हमारे आ चुके हैं, तो अब इसको कुक करने से पहले अब इसको देख लेते हैं इस पर क्या क्या लिखा हुआ है। मामा कंपनी का, वैसे तो ये सारे न्यूट्रिशंस जो हम पढ़ेंगे नहीं, ये थाई का बना हुआ है, और ये रेड मार्क मतलब ये नॉन वेज है। तो इसको अब खोल के देख लेते हैं इसके अंदर भी कौन कौन से पैकेट है, कौन कौन से मसाले हैं, ये इसमें है भी या नहीं भी। तो अब इसको खोल के देख लेते हैं, इसके अंदर तो कुछ नहीं है, नहीं है भाई है। इसके अंदर हमें एक पैकेट मिला है और एक पैकेट के अंदर दो तीन सामान है, मतलब दो तीन मसाले। अब इसको खोल के देख लेते हैं इसमें कौन कौन से मसाले हैं या क्या क्या। पैकेट खोलने के बाद इसमें हमें दिखे तीन तीन छोटे पैकेट, और छोटे पैकेट में सबसे पहले तो एक गिर भी चुका है, तो एक में तो शायद ये छोटे से फ्राइड प्रॉन्स हैं ऐसी कुछ हैं। तो इसमें एक मैगी मसाला टाइप सा एक मसाला का पैकेट, और एक जो हमारा पैकेट गिर गया था उसको भी देख लेते हैं। इसमें हमारी चिली सॉस है जो इसको तीखा बनाएगी, वो तो बना के पता चलेंगे। इसमें और तो कुछ खास है नहीं, खाली है, तो इसको अब चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम नूडल्स को अपने कर लेंगे बॉईल। बॉईल करने के लिए हम डालेंगे एक फ्राई पैन में पानी, और उसको हम कर लेंगे बॉईल। जो पैकेट में हमारे नूडल्स आए थे उसको सारों को बॉईल करना है, और जो बचे हुए हैं उनको तो खासकर, 100 रुपये का पैकेट है, वेस्ट बिल्कुल नहीं करना खाना, मतलब नूडल्स, तो इसलिए उसको भी डालना है। और इसको अच्छी तरह बॉईल होने देना है 3-4 मिनट तक। और वैसे तो देखा जाए ये जो नूडल्स है ना, हम जो नॉर्मल मैगी में खाते हैं वो बहुत पतले पतले होते हैं, और ये बहुत मोटे मोटे हैं, मतलब थोड़ी सी ये हैवी होने वाली है, बट बाकी खा के देखते हैं कैसा लगता है। तो इसको थोड़ा सा तोड़ भी लेते हैं साथ साथ, ज़्यादा मत तोड़ना वरना ये जो साइड में बिखरे हुए ना वैसा लगेगा, ये नूडल्स तो लगेगा ही नहीं फिर, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे। जैसा कि आप देख सकते हो नूडल्स हमारे बॉईल होने लग गए हैं, इसको 1-2 मिनट तक और कुक करेंगे और नूडल्स हमारे अच्छी तरह बॉईल हो जाएंगे। नूडल्स हमारे बॉईल हो चुके हैं, इसको थोड़ा सा हर एंगल से आप देख भी सकते हो कि ये बॉईल अच्छी तरह हो चुके हैं। अब लेंगे हम एक बाउल, बाउल में हम डालेंगे जो हमें एक पैकेट आया था ना मसाले का, और इसमें हम देखेंगे तो क्या है, इसमें है थोड़े से मिक्स मसाले, 3-4 मसालों को एक बना के पैकेट, जैसे मैगी का आता है नॉर्मल वैसा ही कुछ। तो इसको हम डाल लेंगे एक बाउल में, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे अपने फ्राइड प्रॉन्स। इसको दिखाता हूँ मैं एक बार हाथ में भी रख के, ये बहुत छोटे छोटे हैं, वैसे 100 रुपये के पैकेट में कितने ही आएंगे, बहुत महंगे होते हैं वैसे ये। तो इसको भी हम डाल लेते हैं। तो इसको डालने के बाद हल्का सा 1 चम्मच इसमें डालेंगे हम तेल, तेल थोड़ा वैसे ज़्यादा हो चुका है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। इसको अब करेंगे अच्छी तरह मिक्स, अच्छी तरह मसाला मिक्स होने के बाद इसमें हम डालेंगे अपने बॉइल नूडल्स। जब तक मैं ये नूडल्स डाल रहा हूँ तब तक आप वीडियो को भी लाइक कर सकते हो उतनी देर में, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना चिली सॉस, जो हमारे पास एक पैकेट आया था अलग से, वो इसको अंदर हम डाल देंगे अपने नूडल्स के अंदर, और इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। ये वैसे मुझे स्पाइसी दिखने में लग रहा है, बट मुझे ये मसाला बहुत कम लग रहा है, क्योंकि ये नूडल्स बहुत मोटे मोटे हैं और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लग रही है इस मसाले के बराबर, तो इसलिए अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके देखते हैं कि ये थोड़ा स्पाइसी हो पाता है भी नहीं हो पाता, क्योंकि ये मसाला बहुत कम है और नूडल्स बहुत ज़्यादा हैं उसके लिए। तो बाकी कोई नहीं, अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद आपको खा के बताते हैं।
नूडल्स हमारे अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं और ये मेरे को बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं लग रहे, बट तब भी हम इसको खा के बताएंगे कि इसका टेस्ट अच्छा है कि नहीं है। स्पाइसी तो चलो दूर के आते हैं, मेरे को लग ही नहीं रहे, तो अब इसको खा के बताते हैं कि ये स्पाइसी है, टेस्टी है कि नहीं। भाई हमारे नूडल्स तो बन चुके हैं बट ये मुझे कहीं से स्पाइसी नहीं लग रहे। अगर आपको स्पाइसी लग रहे हैं तो कमेंट करके बता देना, बट मुझे तो